इस वीडियो में आपको इस पाठ में आए प्रश्नों के लिखित उत्तर मिलेंगे। नमस्कार सभी को, हिंदी कला केंद्र में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। फर्श पर। बच्चों, इस कविता को हमने इसके भाग एक में पढ़ा व समझा था। अब इसके अभ्यास प्रश्नों को देखते हैं। पाठ से कविता में फर्श पर कौन कौन और क्या क्या करते हैं? तो ये हमने कविता में जाना कि चिड़िया फर्श पर तिनके डाल जाती है, हवा धूल बिखेर जाती है, सूरज फर्श पर चिंदियां सजा जाता है, मुन्ना कटोरी उलट देता है, मम्मी फर्श पर दाल चावल बिनती हैं, पापा जूते उतार देते हैं और काम वाली बाई फर्श को रोज साफ करती है और इस तरह रोज एक कविता लिखती है। फर्श पर सभी के द्वारा कुछ न कुछ काम करने की बात कविता में हुई है, मगर महरी के काम को ही कविता लिखना क्यों कहा गया है? तो यहाँ पर बच्चों, एक बात तो ये समझना है कि सब लोग जो भी काम करते हैं वो हर रोज वैसा ही सेम काम नहीं करते, लेकिन महरी रोज वही सफाई का काम करती है, उसी फर्श को रोज साफ करती है। तो जिस तरह हम कागज पर लिखते हुए उसे भरते हैं और नई कविता लिखने के लिए हर बार नया कोरा कागज चाहिए, ठीक उसी प्रकार महरी भी अपने हाथों से फर्श को एक किनारे से दूसरे किनारे तक साफ करती है, ताकि कल फिर से सारे काम उसी जगह पर नए तरीके से होंगे और वह कल भी इसी फर्श पर यही काम करेगी, यानी वही सफाई का काम करेगी। इसलिए महरी के काम को ही कविता लिखना कहा गया है। तुम्हारी बात। तुम अगर मुन्ना की जगह रहो तो क्या करोगे और क्यों? तो अगर मैं मुन्ना की जगह होती तो मैं अपनी कटोरी को पलट कर खाने की चीजें नहीं बिखेरती, क्योंकि ऐसा करने से फर्श पर गंदगी फैलती है और वही गंदगी फिर अपने हाथों के साथ अपने पेट में चली जाती है, जिससे बीमार होने का खतरा हो जाता है। मम्मी और महरी के काम में तुम्हें जो कुछ समानता और असमानता नजर आती है उसे अपने ढंग से बताओ। तो मम्मी और महरी के काम में समानता यानी एक जैसा काम। मम्मी फर्श पर बैठकर दाल चावल बिनती है ताकि दाल चावल साफ हो सके, और महरी भी फर्श की सफाई करती है ताकि फर्श साफ हो सके। और असमानता, मम्मी फर्श पर दाल चावल से निकले हुए कचरे को फैलाती हैं और महरी उस कचरे को साफ करती है, यानी वह फर्श पर गंदगी नहीं फैलाती है। तुम कविता में सभी को कुछ न कुछ करते हुए पाते हो, उनमें से तुम्हें किसका काम सबसे ज्यादा पसंद है और क्यों? तो ये बच्चों आपको अपने हिसाब से बताना है। जैसे उदाहरण के लिए, मुझे मम्मी का काम सबसे ज्यादा पसंद है। क्यों? क्योंकि मम्मी पूरे घर को अच्छे से संभाल कर रखती हैं। हालांकि मम्मी फर्श पर कचरा फैलाती हैं, लेकिन ऐसा वह इसलिए करती हैं ताकि भोजन में कंकर ना आए। मम्मी को उस काम के लिए कोई वेतन नहीं मिलता, बल्कि वह प्रेम पूर्ण व निस्वार्थ भाव से ये सब करती हैं। तुम अपने घर को साफ रखने के लिए क्या क्या करते हो, उन कामों की सूची बनाओ और उनके सामने ये भी लिखो कि तुम वह काम कब कब करते हो। तो ये बच्चों आपको अपने हिसाब से बताना है। जैसे सबसे पहले तो आप क्या क्या काम करते हो? मैं रोज अपना बिस्तर ठीक करती हूँ, तो ये काम मैं रोज करती हूँ। पढ़ाई पूरी होने के बाद मैं अपनी किताबों और कॉपियों को सही जगह पर रख देती हूँ, तो ये काम भी मैं रोज करती हूँ। रविवार के दिन मैं बाथरूम की सफाई में मम्मी की मदद करती हूँ, तो ये काम मैं रविवार को करती हूँ। ये है ना, कब कब करते हो, तो यहाँ पर सूची बनानी है। तुम्हारी कल्पना। कविता में से चुनकर कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, जैसे चिड़िया, डाल, तिनके, सूरज, हवा, हाथ, मुन्ना, कविता। तो इनका प्रयोग करते हुए कोई कहानी या कविता लिखो। तो ये बच्चों आप अपनी पसंद के अनुसार कहानी या कविता का चुनाव करो। जैसे उदाहरण के लिए मैं एक छोटी सी कहानी लिखकर बताती हूँ, उसको आपको पूरा करना है। एक चिड़िया ने कुछ तिनके इकट्ठे कर एक डाल पर घोंसला बनाया
तो ये आप देख रहे हो इन शब्दों का रंग अलग तरह का है ना, तो ये हमने इन शब्दों को काम में लिया है। ऐसे ही आपको काम में लेकर कविता या कहानी बनानी है। मुन्ना रोज उस चिड़िया के घोंसले को देखता और उसके बच्चों के आने का इंतजार करता। एक दिन आंधी के साथ तेज हवा चली और उसने सूरज को भी छिपा दिया, यानी अपने अंदर छुपा लिया। डर के मारे चिड़िया जोर जोर से चींची करने लगी। मुन्ना को लगा कि चिड़िया मुसीबत में है और तेज हवा उसका घोंसला ही ना उड़ा ले जाए। हालांकि मुन्ना के हाथ में कुछ भी नहीं था, वह भगवान से प्रार्थना करने लगा। तभी ये आप अपनी कल्पना से इस कहानी को पूरा करो। फर्श पर कविता, और इस तरह लिखती है हर रोज एक कविता फर्श पर। कविता में फर्श पर काम करने को भी कविता लिखना बताया गया है। ये हमने एक सवाल में आपने अच्छी तरह समझा ना कि इसको फर्श पर काम करने को कविता लिखना क्यों बताया गया है। फर्श के अतिरिक्त अन्यत्र भी तुम कुछ लोगों को काम करते हुए पा सकते हैं। उनमें से तुम जिन कामों को कविता लिखना बता सकते हो बताओ और उसके कारण भी बताओ। जैसे मुझे लगता है स्वेटर बुनना, कढ़ाई करना, चित्रकारी करना, ये है सब काम भी कविता लिखने जैसे ही हैं। जैसे मुझे लगता है कि ये सारे काम कविता लिखने के समान ही हैं, क्योंकि इनमें कलाकार यानी ये जो काम करने वाला है अपने हिसाब से कुछ न कुछ बदलाव करके एक नई कविता की तरह ही इनको हर बार एक नया रूप दे सकता है। और जैसे कविता लिखने के लिए हर बार एक नया पूरा कागज चाहिए, वैसे ही इन कामों को भी करने के लिए हर बार वैसे ही शुरुआत करनी पड़ती है। बच्चे और फर्श, बच्चे फर्श पर अपनी मर्जी से जो उन्हें अच्छा काम लगता है वो काम करते हैं। उसमें कभी कभी फर्श को तो कभी कभी बच्चों को भी नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसा बच्चों आपके साथ भी होता है ना, कई बार आप फर्श पर इस तरह का गेम खेलते हो, उससे कई बार आपको चोट लग जाती है, लेकिन कई बार आपकी वजह से फर्श को भी चोट लगती है ना। तो पता करो बच्चों द्वारा फर्श पर क्या क्या करने से उन्हें नुकसान होता है, उसकी सूची बनाओ। गीले फर्श पर फिसल कर गिरने से बच्चों को चोट लग सकती है। बच्चों के किन किन कामों से फर्श को नुकसान होता है, तो बच्चों द्वारा कठोर व नुकीली वस्तु से फर्श पर निशान बनाने से फर्श को नुकसान हो सकता है, और कोई भारी चीज ऊपर से गिरा देने से भी फर्श टूट सकता है। काम के शब्द, कविता में बहुत से कामों का जिक्र किया गया है, जैसे बिनना, बिखेरना, सजाना, उतारना, समेटना आदि, तो इन्हें क्रियाएं कहते हैं यानी काम करना। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, इन्हें उचित क्रिया के साथ लिखो, जैसे पानी, टोकरी, बस्ता, चावल, हथेली, रंग, जूते, तो वो कैसे आएंगे। जैसे बिनना, तो क्या बिनना, चावल, जूते उतारना, पानी बिखेरना, बस्ता समेटना और रंग सजाना। बच्चों इस कविता को एक बार फिर से पढ़ें व समझें। फर्श बनाने में लगने वाले सामान के बारे में अपने बड़ों से जानकारी हासिल करें। अपने घर के फर्श को गंदा होने से बचाने के लिए आप क्या क्या उपाय या सहयोग कर सकते हो, इस बारे में सोचो और अपने घर में सहयोग करो। सुझावों व सुधारों के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर हमारे वीडियो बन ही रहे हैं आपके फेवरेट, तो फिर क्यों ना करें इनको लाइक, सब्सक्राइब और रिकमेंड। हमें और बेहतर बनाने के लिए आप कर सकते हैं कमेंट। धन्यवाद।